तीन बड़े नए कानून लागू होने जा रहे हैं। इसको लेकर लोगों को जागरूक करने प्रशासन जुटा हुआ है। लोगों तक नए कानून की जानकारी पहुंचे इसके लिए कांकेर जिला प्रशासन द्वारा जिले में आचार प्रसार के अलावा कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसी तारतम्य में कांकेर जिले के महर्षि वाल्मीकि पीजी कॉलेज में कार्यशाला आयोजित कर छात्र छात्राओं को नए कानून की जानकारी दी गई। इस मौके पर महाविद्यालयीन छात्रा ने बताया कि नए कानून से महिलाओं के हितों की और अधिक रक्षा होगी। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में आज कार्यक्रम रखा गया था जिसमें हमें अभी जो बदले गए कानून है उनके बारे में बताया गया, जिसमें आईपीसी जो पहले धारा थी जो 1860 से अंग्रेजों के टाइम से चलती आ रही थी उसको अभी चेंज किया गया है और भारतीय न्याय संहिता के मतलब रूप में रखा गया है। तो उसके अंतर्गत महिलाओं के हित में हमारे तो बहुत सारे कानून बने हैं, जिसमें से एक कानून ये बना है कि अगर कोई भी मतलब लड़का जो है वो मतलब शादी का वादा करके हम लोग को मतलब झूठ बोल के मतलब वो सब कर रहा है तो उसके अंतर्गत हमें मतलब उनके खिलाफ केस करने का भी मतलब वो है धारा लाया गया है जिसके अंतर्गत उनको 10 साल की सजा दी गई है। पुलिस कर्मियों द्वारा हमें जानकारी दी गई है कि भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या नए कानून ऐड हुए हैं जिसमें महिलाओं को बहुत सारे मतलब बेनिफिट मिले हैं। पुलिस के अनुविभागीय अधिकारी प्रशांत पैकरा ने बताया कि नए कानूनों में हुए बदलाव की जानकारी दी गई है जिससे नए कानून को समझने में सुविधा होगी। हमारे नए कानून जो आ रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और उनके लिए भी जो FIR संबंधी प्रावधान थे कि थाने में जाकर जनरली FIR करने के लिए करना पड़ता है तो अब हम कहीं भी किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी। साथ ही उनको जो महिलाएं थी उनके लिए ये भी प्रावधान किया गया है कि वो अगर थाना जाने में असक्षम है तो वहीं पर भी जाकर FIR की जा सकती है। ये सभी बातों से उन लोग काफ़ी उत्साहित थे और उनको भी ये नया कानून जो है वो अच्छा लगा। 1 जुलाई से प्रभावशील होने वाले कानून में अंग्रेज के जमाने के 511 धाराओं की जगह अब 358 धाराएं हैं और 23 अध्याय के स्थान पर 20 अध्याय रहेंगे।